तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मैं गॉड से यही विश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आर्यावर्त बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट कितना देता है और कितने पैसे पे कितना इंटरेस्ट देता है, ठीक है, और उसकी क्या टाइमिंग है, पर एनुअल कितना हमें इंटरेस्ट देता है। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि अगर हम पैसे रखते हैं ना, तो अगर हम पैसे रखते हैं, मान लीजिए आपके पास 10,000 15,000 रुपये हैं, ठीक है, तो उसे आप जब किसी बैंक में रखेंगे तो उसके बारे में हमें जानना ये कंपलसरी है कि आखिर हमें इंटरेस्ट कितना देता है, पर एनुअल कितने परसेंट का इंटरेस्ट दे देता है बैंक, ठीक है। तो अगर आपका अकाउंट जो है आर्यावर्त बैंक में है, तो अगर आप उसमें पैसे रख रहे हैं कुछ खास, ठीक है, तो आप उसमें आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है उस बैंक से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे हर एक कितने तक का कितना मिलता है आपको इंटरेस्ट। तो इस वीडियो के साथ आप लगे रहिए, इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, उसके लिए आप अपना गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र जो आपके पास होगा उसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है इंटरेस्ट रेट ऑफ आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आप नीचे चले आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट का। यहाँ पे एक इसका ऑफिशियल वेबसाइट है आर्यावर्त ग्रामीण बैंक का, तो ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ का फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 20/4/2020 का अपडेटेड है, ठीक है, 20/4/2020 यहाँ पे डेट देख सकते हैं लिखा पड़ा है, ठीक। तो यहाँ से मैं पीडीएफ को मैं ओपन करता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि क्या इसमें है, ठीक है। ये 17/4/2020 का सर्कुलर है ये, ठीक, और ये आर्यावर्त बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो सेविंग बैंक का जो, अगर मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट है आपका आर्यावर्त बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो पैसे रखेंगे, ठीक है, अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख तक आपको जो पैसे आप रखेंगे उसका 3.25% के हिसाब से पर एनुअल आपको ब्याज मिलेगा, ठीक, ठीक है फ्रेंड्स। और ये रिवाइज्ड में अगर आप हैं, ठीक है, तो 3% आपको मिलेगा, ठीक है। अगर 1 लाख से ऊपर है फ्रेंड्स, तो आपको 3.50 रुपया का है इंटरेस्ट, ठीक है, और अगर और रिवाइज्ड में आपका 3.25 रुपया का इंटरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेच्योरी पीरियड में आपको पर एनुअल का देख सकते हैं क्या कंडीशन है, कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 से 14 दिन, 7 से 14 दिन, और लेस देन मतलब 15 लाख रुपये। अगर 15 लाख से अगर आप कम रखते हैं 7 से 14 दिन के लिए, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.75 रुपया है, ठीक है। और अगर आप डिवाइड में रखते हैं तो 4.50 रुपया है, ठीक। लेकिन ये फ्रेंड्स सब पर एनुअल का है, ये सब पर एनुअल का है, पर एनुअल मतलब प्रति वर्ष का इतना ब्याज है, ठीक है। और 15 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के लिए रखेंगे आप, तो 4.75 रुपया इसमें भी है, 4.50 रुपया इसमें भी है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें सब सेम है, लेकिन देख सकते हैं जैसे आप अधिक टाइम आप देंगे बैंक को, ठीक है, वैसे ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल के लिए यहाँ पे रखेंगे आप पैसे को, ठीक है, तो 6.25 रुपया के हिसाब से आपका पर एनुअल इंटरेस्ट देगा, आपका बैंक इतना ब्याज आपको देगा, ठीक है, जितना आप पैसे रखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए अगर रखते हैं आप, तो 1 साल के लिए अगर आप रखते हैं, 1 साल से 2 साल के लिए रखते हैं, तो आपको 6.25 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और आपका रिवाइज में 6 रुपये मिलेंगे, और इसमें आपको 6.25 रुपये और 6 रुपये मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पैसे रखते हैं ना, तो सीधे साल भर के लिए रखो यार, साल भर के लिए रखो, ठीक है, और हो सके तो एफडी कर दो सीधे, 10,000 15,000 जितने भी हैं तुम्हारे पास, 15 लाख से कम है तो, ठीक, तो यार अच्छा खासा देखो ब्याज मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना, अगर साल भर के लिए रख देते हो आप। तो यार ये देखो बैंक का ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल मैं कोई फेक नहीं बना रहा बता रहा हूँ, ठीक है,
ये ऑफिशियल बैंक से है, तो ये 20/4/2020 का ये अपडेटेड है। तो ये रहा इसका पूरा इंटरेस्ट रेट जो कि मैंने आपको दिखा दिया इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इसमें से जो भी प्लान चूज करना चाहते हो आप चूज करके आप पैसे रखें बिल्कुल, और साथ में ब्याज भी अच्छे से कमाएं। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।